हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द शो ऑफ बुक्स एंड थ्योरीज पॉडकास्ट। और आज के शो में हम बात करने वाले हैं रोमांस की, फ्रेंडशिप की और फ्रेंडशिप बाइट्स की। ये रीसेंट बुक है जो पब्लिश है सृष्टि पब्लिशर्स से। सृष्टि पब्लिशर्स का नाम लेने मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरी खुद की बुक सृष्टि पब्लिशर्स से आती है और सृष्टि पब्लिशर्स फेमस है रोमांस के लिए। तो अगर सृष्टि की बुक रोमांटिक है तो उसको पढ़ना बनता है। तो मैंने बुक पढ़ी जिसका नाम है फ्रेंडशिप बाइट्स, रिटन बाय असलम रहमान। और ये बुक ना आपको एक अलग एरा में लेके जाती है जो कि 80s और 90s का एरा है। उस समय रोमांस थोड़ा डिफरेंट होता था, उस समय रोमांस का टेस्ट डिफरेंट होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना असलम को यहाँ बुलाया जाए और कुछ फन भरी बातें करी जाएँ रोमांस के बारे में और असलम के रोमांस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं असलम के साथ। सो वेलकम असलम भाई टू अवर शो ऑफ बुक्स एंड पॉडकास्ट। थैंक्स हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे। जब से मिला हूँ तब से ही अच्छा लग रहा है आपसे तो मिल करके। हम हंसी रहे तब से तब से हंस रहे हैं, फोन पे भी हम हंसी रहते हैं, हंसी रहते हैं और यहाँ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब क्या होता है पॉडकास्ट में ना, जितना आप क्लोजली बात करते हो ना जितना, उतना अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं होते। नहीं, सबसे बड़ी बात है अब तक पॉडकास्ट मैंने सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुना था, पहली बार मैं वीडियो पॉडकास्ट कर रहा हूँ। नहीं तो ये हमारा पॉडकास्ट वीडियो तो हो गई पर ऑडियो पे भी आता है, कोई बात नहीं, वीडियो भाई और बाकी जगह भी सुनने को लोगों को मिलेगा इसको। एज फार एज आई नो, मतलब आई एम नॉट इवन हर्ड अबाउट वीडियो पॉडकास्ट्स। तो चलिए इससे पहले हम शो शुरुआत करें, मैं आपसे बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछूं। पहले आप इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को, अपने आप को। ओके ऑडियंस, माय नेम इज असलम रहमान, आई एम ऑथर ऑफ द फॉर्च्यून हंटर्स एंड फ्रेंडशिप बाइट्स। Normally I write about young people, young Indians, and my focus is to bring up things about lives and experiences of young Indians. Till now it is about young Indians only. Let's see what happens in future. So my first book, The Fortune Hunters, is about interreligious love and marriage. And my second book, Friendship Bites, is about the life of friends in hostels, in college life, and then it also, has corruption in the background and the struggles that the characters face due to this. This is all about my both books. And apart from writing, I am a banker. I'm at a senior level in one of the top banks of India. So that's about me. तो चलो शुरुआत करते हैं। आपकी जो बुक है, ठीक है, ये फ्रेंडशिप बाइट्स, ये रोमांस के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ रोमांटिक यू आर फ्रॉम योर हार्ट। आई एम वेरी रोमांटिक, माई फर्स्ट बुक इज ऑन माई ओन लव स्टोरी एंड देन माई मैरिज। माई वाइफ इज अ ब्राह्मण and I'm a Muslim, and I've written about the challenges that we faced for our marriage and even after that. तो एक बात बताते हैं, जो intercaste marriage की बात करते हैं सबसे पहले, generally 80s 90s में तो ये problematic था, पर क्या आज की date में जब उसको देखते हो as a problem? अभी और प्रॉब्लमेटिक है। कैसे? अभी तो आपने सुना ही होगा इतना सारा न्यूज में आता है लव जिहाद एंड ऑल, उस जमाने में नहीं था। तो एक टर्म जोड़ दिया गया लव जिहाद। लव जिहाद मतलब अभी पीपल हैव बिकम क्वाइट अग्रेसिव अबाउट इट, दे हैव स्टॉप्ड स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, व्हिच नेवर यूज्ड टू हैपन इन माय एरा। नहीं मतलब आई फील परफेक्टली ओपन टू ऑल दीज थिंग्स। मेरी खुद की कजन, शी इज मैरिड टू अ मुस्लिम, तो मैं, हमारे घर में भी सब ओपन है। मतलब लाइक मेरी भाभी ब्राह्मण है या एक चाची जैन समाज से बिलोंग करती हैं, तो इट्स हमारे यहाँ, मतलब आई फील कि हमारी फैमिली बहुत पहले से इट्स वेरी ओपन टू ऑल द रिलीजन्स एंड वी फील कि ऑल रिलीजियस थिंग्स आर गुड और सारे रिलीजन्स अच्छे हैं। स्पेशली मैं अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूँ तो लाइक मैं सागर से बिलोंग करता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर वाज एन एमएलए, हमारा काफ़ी बड़ा घर है। तो हमारे घर में जो मेरे ग्रैंडफादर ने जो ज़मीन ली होगी उस समय, वहाँ पर एक मज़ार है जो प्रॉपर्टी सेल करते टाइम लिखा गया था कि इस मज़ार को ना तोड़ा जाए ना बनाया जाए। और जब तक मैं सागर में था, हमारे घर में, मैंने यही देखा कि सब लोग उस मज़ार पे हर फ्राइडे को, गुरुवार को चादर चढ़ाना, पूजा करना। और अभी भी जैसे मैं तो वहाँ नहीं हूँ, पर जो मेरे वहाँ रिलेटिव्स हैं वो अभी भी वहाँ पर उतनी शिद्दत से सारा कुछ प्रोसेस करते हैं, पूरा वहाँ साफ़ सफाई रखना, सारा कुछ मेनटेन करते हैं।
तो आई स्टिल फील कि जितने रिलीजियस, मतलब मैं तो सारे रिलीजन सारे धर्मों को मानता हूँ. नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी ऐसा कभी नहीं मिला. फ्रेंड्स जो हैं, जो लोग मिलते हैं, एवरीबडी इज़ क्वाइट ओपन, एवरीबडी इज़ सेक्युलर, बट व्हेन इट्स ऑल पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. एंड एज फार एज चैलेंजेस इन इंटर रिलीजियस मैरिज इज कंसर्न, इट्स ऑल अबाउट कल्चर. सो अ ब्राह्मण पर्सन वुड नॉट वॉन्ट, टेक्निकली वुड नॉट वॉन्ट his son or daughter to get married to a different religion altogether. Sabka apna apna hai. Lekin jisko karna hai wo kar hi leta hai. Humne bhi kara. Aur kar hi leta. Hamara to runaway bride tha. To chalo isi baat pe baat karte hain. Matlab thoda ye kissa sunao bhai. Kissa to pura the fortune hunters mein hai. To me and my wife. To fortune hunter mein hunter kaun tha? हंटर हमारी किस्मत थी. हमारी किस्मत ने हमें हंट करके शादी करा दी. तो बेसिकली वी आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड माय वाइफ इज़ आल्सो फ्रॉम लखनऊ. सो वी मेट एंड देन यू नो द लव हैपेंड. सो आफ्टर दैट वी अंडर यू नो सम सर्कमस्टांसेस वी केम अक्रॉस फ्यू पीपल हु मोटिवेटेड अस एंड दे हेल्प्ड अस टू गेट मैरिड. So I've captured everything, all the scenarios are there. Padhni in this book. The Fortune Hunters, it's very entertaining read. Everybody has loved it. Halaki kafi purani book ho gayi hai, 2012 mein release hui thi wo. So it's a pure love story. Aur matlab usme ke police bhi hai, court cases bhi hain. मतलब बहुत उसमें एक्शन भी है. लव के साथ एक्शन भी. और ये सचमुच का है. सही में पुलिस का केस हुआ? मतलब बिल्कुल हुआ. माय फादर इज अ वाज अ पुलिस ऑफिसर. सो ही हेल्प्ड अस इन गेटिंग द केसेस रिजॉल्वड. कोर्ट कचहरी सब हुआ था. तो हाँ, और सब एज इट इज मैंने उसमें बुक में डाला हुआ है विद सम तड़का ऑफ फिक्शन, बट है. तो मतलब रोमांस से बहुत पुराना नाता है. मैं बहुत पुराना नाता है. तो फिर ये 11 साल का गैप रोमांस का से तो आपका भी बहुत पुराना नाता है. आपने तो सब रोमांटिक बुक्स ही लिखी हैं. हाँ, तो आपका ये फिर गैप क्यों? मतलब 2011 में आपने बताया पहली बुक, फिर उसके बाद अब ये इतने सालों बाद. अब मैं क्या बताऊँ, मतलब कि मैं नहीं चाहता था. मतलब आई हैड टू डू इट बिकॉज आई वॉज वर्किंग फॉर अ मल्टी नेशनल बैंक. तो वहाँ पे वॉट हैपेंड, आई डिड नॉट नो दैट फॉर डूइंग समथिंग लाइक दिस आई विल हैव टू टेक अप्रूवल्स. So my book came out, I just told my, you know, functional head about it. So they went to compliance, they said ki no, for publishing you should have taken approval. So phir us time to book publish ho chuki thi, nobody could do anything. Lekin second book likhne ke liye mujhe approval nahi mila. So this book, Friendship Bites, I wrote it, this book in 2013 or 14. बट जब मुझे अप्रूवल नहीं मिला पब्लिश कराने के लिए, तो फिर मैं उसको पब्लिश करा नहीं पाया. तो पब्लिश नहीं कराया तो पब्लिशर को नहीं दिया. तो फिर ऑल द प्रोसेस स्टार्टेड इन आई थिंक 2020 व्हेन आई चेंज्ड माय जॉब. ओके, तो वहाँ मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था कि आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर एंड आई विल कीप राइटिंग, आई लुक एट इट एज अ ऑल्टरनेट करियर. आजकल कंपनीज ओपन है इस चीज़ के लिए. कंपनीज ओपन है, वहाँ मना नहीं किया था किसी ने. हाँ भी नहीं बोला था. हाँ. और बिना हाँ के पब्लिश कराना बहुत, इट वाज अ बिग रिस्क. सो मतलब छपने के बाद किया किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे उस टाइम. हाँ. पे भी. हाँ. लेकिन अगली बुक जब आपको पता है कि आपको अप्रूवल लेना है फिर पब्लिश कराना है, तो जब अप्रूवल नहीं मिला तो कैसे पब्लिश करा दें? यू नो इट्स अनएथिकल ऑल्सो ना. तो फ्रेंडशिप बाइट्स में क्या है एग्जैक्टली? फ्रेंडशिप फर्स्ट बुक तो हम समझ गए कि आपकी खुद की कहानी है, दूसरी बुक किसकी? ये मेरी आपकी सबकी कहानी है. सबने अपना स्कूल डे, सॉरी कॉलेज डेज देखा है, सबने रैगिंग झेली है, सबने प्रोटेस्ट कमोशन कभी ना कभी कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में हुआ, सब इसमें है. उसके अलावा मतलब इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, मतलब हाउ फार अ फ्रेंड कैन गो टू हेल्प हिज फ्रेंड, इट्स अबाउट दैट. मतलब इसमें तो इस लेवल पे की है कि एक फ्रेंड जो है अपने फ्रेंड का बदला भी लेता है. तो फ्रेंडशिप इस एक्सटेंट पे इस पे है अमिट्स लव स्टोरीज. देयर आर टू पैरेलल लव स्टोरीज इन दिस, जिसमें दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं. एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, एक और है. तो द मेन प्रोटैगनिस्ट इज आर्यन एंड द सेकंड प्रोटैगनिस्ट इज जावेद. तो जावेद का आफरीन के साथ अफेयर है और जो आर्यन है, आर्यन का एक और लड़की के साथ अफेयर है.
तो वो है, फिर वो जो फर्स्ट वाला जो आर्यन का अफेयर है, मतलब वो थोड़ा इगोइस्टिक बंदा है, ही डिड नॉट क्लैरिफाई थिंग्स, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनका ब्रेकअप टाइप का कुछ हो जाता है, तो उसको लगता है कि जावेद और उसकी गर्लफ्रेंड ने करवाया, तो मतलब यही सब है इसमें। जो कॉलेज कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कॉलेज कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो है, और ये कॉम्प्लिकेशंस ना जनरली कॉलेज खत्म होने के बाद लगता है कि यार ये फालतू ही कॉम्प्लिकेशंस थे, सारा इसमें रिजॉल्व ही कॉलेज खत्म होने के बाद होता है, जनरली सबकी लाइफ में ही ऐसा होता है। करेक्ट, कई कॉम्प्लिकेशन जो आप कॉलेज में आपको लगता है कि यार बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इससे बड़ा तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती लाइफ में, करेक्ट, वो बाद में जाकर लगता है कि यार तो ये कॉम्प्लिकेशन ही नहीं था। नहीं, इसमें तो एक्चुअली स्टोरी जो बुक की शुरुआत है ना वो कॉम्प्लिकेशन से ही हुई है। जो लीड कैरेक्टर है मेरा आर्यन, वो एक मतलब करप्शन की वजह से कहीं फंस जाता है, फिर ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे पूरी स्टोरी होती है, फिर आपको एंड में पता चलेगा कि किसने हेल्प करी। मतलब थ्रू आउट द स्टोरी इस कहानी में आर्यन है और जावेद है, आर्यन है, जावेद है, एक देवेंद्र है, देवेंद्र वो कैरेक्टर है जो हेल्प करता है। आप अपने आप को किस कैरेक्टर की तरह देखते हैं? मैं तो हूं ही नहीं ना इसमें, मैं तो राइटर हूँ। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे कैरेक्टर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी से भी को रिफ्लेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, इसमें मतलब पर्सनालिटी वाइज तो नहीं बोलूँगा मैं किसी से कुछ वो रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि फिर मैं किसी का नाम बोलूँगा उसको बुरा लग जाएगा, क्योंकि इसमें हर कैरेक्टर का एक नेगेटिव ट्रेट है। तो जो एक्चुअली फिक्शन है, मैं ये कहूँगा कि इट्स इंस्पायर्ड बाय माय ओन एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ सम ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैं नाम दे दिया ना तो लोगों को बुरा लग जाएगा कि अच्छा अरे मैं अब तो बताऊँ, ये जो बुक पढ़ने के बाद कई लोगों का फोन आया मेरे पास, अच्छा अब 20-20 साल पुराने राज अब खुल रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई, फिक्शन नहीं है, कुछ इसमें एक्चुअल नहीं है। ये मिसाल हो चुका है, जब मैंने बुक लिखी थी माई म्यूट गर्लफ्रेंड, तो वो मेरी कॉलेज स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, तो वही मेरी बुक पढ़ने के बाद ना काफ़ी सीनियर्स के जूनियर्स के सबके फ़ोन आना स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई ये नाम तो ना वही है ना बंदा, ये बंदी तो वही है ना। हाँ, तो ये तो जो फ्रेंडशिप बाइट्स में भी यही होता है। तो वो हो जाता है, मैंने लोकेशन चेंज करी है, मैंने कैरेक्टर्स सोचे हैं, उनको इन कैरेक्टर्स में ढाला है, उनके अराउंड के कुछ सिनेरियोज लें, जैसे इसमें एक सुसाइड का भी केस है, ठीक है, तो एक्चुअली हुआ था मेरे कॉलेज में, उसके बाद कमोशन हुआ था, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, वो भी हुए थे, किस टाइप से हुए थे, कहाँ हुए थे, वो सब फिक्शन है। ओके, किस कॉलेज से आप? मैंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में किया हुआ है। अच्छा। जो यहाँ से, वैसे मैंने आई एम कलकत्ता किया हुआ है, वो उसके पहले का जो जो सिनेरियो था ना, हॉस्टल लाइफ थी मेरी, ये उस पे है बेसिकली फ्रेंडशिप बाइट्स। जनरली ना वो हॉस्टल लाइफ वाला जो सिनेरियो होता है ना, वो एक अलग ही पीरियड होता है। बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है जो आजकल रैगिंग वगैरह बंद कर दी है, कहाँ कुछ नहीं बंद हुई है, खूब रैगिंग होती है, अगर गुड कॉलेज में देखो तो अब रैगिंग काफ़ी कंट्रोल्ड है, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है जो एक हेल्दी रैगिंग जो होती थी वो शायद ओपन अप होने में बहुत अच्छा हेल्प करती थी। देखिए मेरा जो व्यू है, माई पर्सनल व्यूज दो, कि रैगिंग शुड हैपन, इट ओपन्स अप द पर्सन। वही मैं खुद भी बोलूँ तो, हालांकि मतलब आई एम नॉट been ragged that much, but I know people, I have seen friends who have, मतलब they have completely changed after going to, you know, engineering colleges, MBA colleges, पहले सीधे शरीफ पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे, वो मतलब पॉलिश होकर के निकलते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, कम्प्लीटली पॉलिश हो जाते हैं। बताऊँ तो 12th तक आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय, मतलब मैं बहुत अपने आप में रहने वाला, इवन मेरे स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, मतलब लिमिटेड फ्रेंड्स थे। हाँ, फ्रेंड्स सब थे पर बातचीत बहुत कम से करता था मैं, बहुत लिमिटेड था मेरा। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया, वहाँ पर रैगिंग हॉस्टल लाइफ देखा ना, ओपनड अप, बहुत ओपन हुआ, मतलब मेरे कॉलेज में इतने फ्रेंड्स थे, मतलब मैं दिन भर मस्ती करता था वहाँ पे। और उसके बाद नॉट ओनली दैट, मतलब जब मैंने देखा कि जब मैं वहाँ से ओपन हो गया हूँ, तो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स जो स्कूल छूट चुकी थी मेरी, उनसे ही वापस फ्रेंडशिप्स और ओपननेस स्टार्ट हुआ। तो आई फील कि मुझे वही लगता है कि मतलब रैगिंग, अनहेल्दी रैगिंग नहीं होनी चाहिए, पर जो हेल्दी रैगिंग है जहाँ पे ओपननेस आ जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनहेल्दी रैगिंग जो होती है, दैट इज अनलॉफुल ऑल्सो, मतलब यू कैन नॉट हर्ट समबडी, राइट? बिल्कुल। तो अगर कहीं पे मार पीट, मतलब स्ट्रिपिंग ये सब होती है, दैट इज नॉट राइट। हाँ, दैट इज नॉट राइट। सो आपकी स्टोरी जो है, हाउ मच दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉलीवुड?
और हाउ मच यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉलीवुड. आई वांट बॉलीवुड टू गेट इंस्पायर्ड बाय दिस. नहीं वो तो सब सबके ड्रीम है. अगर आप बोलोगे रिलेट करने का तो आई विल से कि थ्री इडियट्स हो गया, स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो गया, इस टाइप की मूवीज कैन रिलेट टू दिस बुक, बट इट्स अ कंप्लीट मसाला. लेट्स सी. आप खुद कितना इंस्पायर्ड हो बॉलीवुड से? बहुत ज्यादा. ओनली बॉलीवुड. आई डोंट वॉच हॉलीवुड. Bollywood and nowadays I watch a lot of South Indian cinema dubbed in Hindi. आजकल वो trend में भी आ रहा है. वो सब Prime videos और इधर Netflix इन सब पे बहुत मिल जाएगा आपको. तो जैसे कि book में ना हम जब हम writers book लिखते हैं तो जैसे मेरा मानना है कि सबसे important होता है character. और एक बार अगर आपने proper characterization कर लिया book में तो फिर characters अपनी कहानी खुद कहना start कर देते हैं. आपका वेज ऑफ राइटिंग क्या है, मतलब आप क्या सोचते हो उस बारे में? देखिए मैं आपको जानता हूँ, ठीक है, और मैं आप बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप पहले कैरेक्टर बनाते हो फिर स्टोरी बनाते हो. सही बोल रहा है ना? मैंने आपके इंटरव्यूज एक दो जगह हम साथ में भी रहे हैं, मैंने सुना था. मैं हमेशा स्टोरी की बात करता हूँ, आप हमेशा कैरेक्टर्स की बात करते हो. करेक्ट. तो मेरा तरीका ये है कि मैं एक रिलेटेबल सी एक स्टोरी बनाता हूँ, उसमें फिर कैरेक्टर्स अपने आप आते हैं उस स्टोरी को चलाने के लिए. This is my style of writing. मेरा बिल्कुल उल्टा है. मैं पहले कैरेक्टर्स बनाता हूँ, फिर कैरेक्टर्स कहता हूँ अपनी स्टोरी लिखो, और फिर वो स्टोरी चलना चालू होती है. मतलब अभी तक की दो बुक्स में तो फुल स्टोरी रही है, ठीक है, मतलब एंड भी मुझे पता रहा है, और फिर मैंने कैरेक्टर से चलवाया है स्टोरी. मेरे साथ केवल माय म्यूट गर्लफ्रेंड में हुआ है, जहाँ मेरे को स्टोरी पता थी और फिर मैं लिखी है. उसके अलावा मेरी जितनी बुक्स हैं वहाँ मैंने पहले कैरेक्टर्स बनाए और फिर मैंने उनको कहा कि भाई स्टोरी लिखो. इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि मैं जो कई बार होता है ना, आप लिखते लिखते आपके दिमाग में आता है कि यार अंत ऐसा होगा, लेकिन जब मैं क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स पहले बनते हैं ना तो मेरी कहानी अंत जाते जाते बदल जाती है. कुछ अंत तो इसका भी बदला है. अंत जो आखिरी के मेरे ख्याल से 20-25 पेजेस तो मैंने बाद में लिखे हैं. ये सृष्टि वालों ने, मेरी बुक है शी रेज्ड हर, उस पर मूवी कॉन्ट्रैक्ट भी साइंड है. वो बुक मैंने 3 बार लिखना स्टार्ट करके रुक गया, क्योंकि मैंने वही कैरेक्टर्स पहले बनाए फिर उनको लिखना स्टार्ट किया. और वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इट्स थ्रिलर, और वो थ्रिलर ऐसी है कि मतलब ना आप हर 10 पेज का आपको लगेगा कहानी पूरी बदल गई. अच्छा, पूरी तो आपको खुद ही नहीं स्टोरी पता होगा. हाँ, तो वही रीजन था, क्योंकि मुझे खुद ही स्टोरी नहीं पता थी. मैं केवल कैरेक्टर से काम करवा था, कैरेक्टर जो करते थे मैं करता जाता था. तो हुआ यह कि कहानी अंत तक जाते थे इतने ट्विस्ट और टर्न्स में आ गई कि लोगों को वही पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया. मतलब आई सोल्ड आई डोंट नो कितनी कॉपीज मैंने उसकी बेची है. 25-30 हज़ार से कम क्या बिकी होगी, इतनी तो बिकी ही होगी. बिल्कुल बिल्कुल. और लोगों का मेन रिव्यू यही था कि इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि आप गैस नहीं कर सकते. मेरे ख्याल से आपकी लास्ट 3-4 बुक्स को तो मैंने ट्रैक किया, सब तो 30-40,000-50,000 तो बिकी हैं. क्यों क्यों खुलासा कर रहे हो? खुलासा क्या, मतलब अच्छी बात है. नॉट द एग्जैक्ट, मैं भी चाहूंगा इतनी मेरी तो बिके. नॉट एग्जैक्ट नंबर्स, बट यस मेरी 8 में से 6 नेशनल बेस्ट सेलर्स हो चुकी हैं. लकीली मेरी 2023 बड़ा अच्छा हुआ, 2023 से मेरी 4 नेशनल बेस्ट सेलर एक साथ हुई. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. वो बड़ा अगली अच्छा वाली भी होगी. आई नो कि आप एक थ्रिलर बुक लिख रहे हो अगली वाली. थ्रिलर. तो लेट्स सी थ्रिलर आपको कहां तक, मैं आपको बुलाऊंगा मेरा पॉडकास्ट करने के लिए. हाँ, तब तक मैं भी आपसे, वैसे भी मैं काफी इंस्पायर्ड हूं आपका YouTube चैनल की वजह से. नाउ बिफोर यू आस्क मी अ क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दिस YouTube चैनल? ये पहली बार हुआ मतलब मेरे पॉडकास्ट में कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नहीं देखो, मतलब अ राइटर स्टार्टिंग अ वीडियो पॉडकास्ट, मेरे हिसाब से ना हम राइटर्स ना वी ऑल आर क्रिएटिव पर्सन, ठीक है. और बुक जब हम लिखते हैं तो 6-7 महीने तो बुक लिखते निकल जाता है, फिर एडिटिंग होती 3-4 महीने निकल जाते हैं, फिर बुक आती है, तो कहीं ना कहीं बुक में 1-1.5 साल का गैप हो जाता है. करेक्ट. अब जो क्रिएटिव कीड़ा है ना दिमाग में, वो खाली नहीं बैठ सकता. तो बुक लिख दी, खत्म हो गया, अब अपनी क्रिएटिविटी के हॉर्मोन्स को कहाँ लेके जाए, तो अब कुछ तो करना है. तो बस ऐसे ही करते करते यूट्यूब चालू हो गया. और थैंक्स टू द रीडर्स, व्यूअर्स, आप जैसे ऑथर्स, पब्लिशर्स, सबके सपोर्ट से चैनल बढ़ता जा रहा है, लोग देख रहे हैं. नहीं, मेरा क्वेश्चन ही नहीं था, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, मतलब व्हाट इग्नाइटेड यू टू स्टार्ट दिस? यही इग्नाइटेड, खाली समय. अरे कहीं से तो आपको आइडिया मिला होगा कि यूट्यूब ही क्यों करना है? नहीं, उसके पीछे की कुछ स्टोरी बताइए ना. मुझे हमेशा से, बचपन से आई लव कैमरा. मुझे, मैं कैमरा का शौकीन हूँ. मतलब इफ़ आई टेल यू अबाउट माई चाइल्डहुड, जैसे मैंने आपको बताया मेरे ग्रैंड फादर वॉज एन MLA, देन ही वॉज अ डॉक्टर. तो हमारा बहुत बड़ा कैंपस था जहाँ हम जॉइंट फैमिली में रहते थे.
तो ऑब्वियसली बात है हम लोग बच्चे बहुत थे, चाचा चाची के सबके बच्चे, इतने सारे हम लोग घर के बच्चे ही बच्चे मिला के 10-15 बच्चे हो जाते थे। तो हमारा जो बचपन में खेल था ना, हमारे पास एक बहुत बड़ा कमरा था, वो कमरा हमारा थिएटर था, हमने उसका नाम रखा था बीबी थिएटर, क्योंकि मेरे दादाजी का नाम था डॉक्टर बीबी राय, तो हमने उसका नाम रखा था बीबी थिएटर। और हम वहाँ यही करते थे, मैं स्क्रिप्ट लिखता था, स्टोरी बनाता था, फिर हम सब मिलकर नाटक बनाते थे। अच्छा। और हम दिन भर यही करते थे, और हम महीने भर में 25-30 नाटक करते थे, हम दिन भर एक नया नाटक करते थे, हर दिन एक नया नाटक होता था हमारे। और उसमें से हमको जो अच्छा लगता था कि यार ये नाटक ना बहुत बेस्ट है, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते थे। और फिर महीने में या दो महीने में एक दिन सारे घर वालों को बुलाते थे, हमारे घर वाले 25-30-40 तो घर वाले ही हो जाते थे, तो ऑडियंस पूरी बन गई। फिर उसके बाद हम वहाँ पे वो नाटक प्रिपेयर करते थे और सबके सामने प्रेजेंट करते थे, साड़ियों से वो बनाते थे पर्दे, फिर वो नाटक दिखाया करते थे। और दिखाते क्यों थे, क्योंकि हमारे दादाजी उस पर हमको एक केला देते थे खाने के लिए, तो वो जो जुड़ाव था ना थिएटर से, ये मुझे बहुत ज़्यादा था। देन मेरे घर के बगल में रहते हैं मुकेश तिवारी जो एक्टर हैं, बड़े फेमस एक्टर हैं, डाकू जगीरा बनते हैं, उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन था। देन मैंने स्कूल में काफ़ी प्लेस करे, मुझे बड़ा मज़ा, मुझे मैं बचपन से बहुत ज़्यादा था प्लेस और कैमरा और लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं जब मैं कॉलेज गया था, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा प्लेस थिएटर्स मैंने बहुत किया वहाँ पर भी, पर वो ये कि जब जॉब वॉब में आया तो सब छूट जाता है धीरे धीरे करके। तो ऑब्वियसली बात है जब बुक से जुड़ा हुआ तो एक क्रिएटिविटी चालू हुई, अच्छा लगने लगा वो करना, तो सोचा क्यों ना कुछ कैमरे के सामने आया जाए। तो क्योंकि कैमरा में मुझे कैमरा देख के ना एक्साइटमेंट होता है, लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मुझे कुछ ना कुछ कैमरा में डायरेक्शन करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आई कीप ऑन डूइंग दीज थिंग्स, बस यही एक इग्निशन था कि यार ना अब ये सब कर लिया, अब कैमरे के सामने आते हैं। वाह बहुत बढ़िया। तो आई विश यू लॉट ऑफ सक्सेस इन फॉर योर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब द वे यू हैव सक्सेडेड इन योर बुक्स एंड राइटिंग, you may please be no that's my wish to god you get success super success for your youtube channel also. thank you sir, thank you। to log wapas aate hain aapki book ke upar, kyunki show aapka hai is bar। jo romantic hero hote hain ya romantic heroine hoti hain, wo apne aap mein na, main ye manta hu ki wo apne aap mein bahut different hote hain, kyunki aap dekho har dusri book romance book hoti hai, fir bhi har romance book mein bahut kuch badlav hota hai, bahut kuch changes hote hain, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे इमोशंस का खेल होता है। तो आप जब कोई बुक सोचते हो या आप रोमांटिक हीरो या रोमांटिक हीरोइन को देखते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है, कैसे इमोशंस को खिलाना है या किस ढंग से उनको मैनेज करना है? रोमांटिक हीरोज की बात कर रहे हो, बॉलीवुड बुक की? अच्छा बुक की। तो बेसिकली स्टोरी पहले से पता होती है, डायलॉग्स जो हैं दे आर बेसिकली रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन उस हिसाब से रिलेटेबल डायलॉग्स, और फिर स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। नहीं कई बार हम ऐसे सोचते ना कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रीडर्स क्यों रीड करेंगे बुक, दो चीज़ों के लिए, या तो एंटरटेनमेंट के लिए या उन्हें उस बुक से कुछ गेन हो। वेट वेट वेट, माई थॉट एज ऑथर्स, I feel all of us are entertainers. Our job is to entertain the reader. You and I, both of us don't want to instruct our readers on English literature, right? Our mode of entertainment is the magic of words, right? Right. So entertain करना है, अच्छी stories देनी है। Entertainment में generally हमारे characters ना कुछ motivation भी छोड़ के जाते हैं। अच्छा, मोटिवेशन तो लेसन तो होता है ना हर चीज़ में होता है। लेसन जो होता है, तो जनरली जब हम कैरेक्टर्स लिखते हैं तो क्या आप ये सोचते हो कि आप मेरे कैरेक्टर्स कुछ मोटिवेशन छोड़ के जाएं, या मेरी कहानी कुछ मोटिवेशन छोड़ के जाए, या सोचते हो नहीं यार छोड़ो यार एंटरटेनमेंट कराना है, मोटिवेशन मोटिवेशन भाड़ में गया? नहीं नहीं, देखिए जब आप कोई चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए सही, अगर आप स्टोरी दे रहे हो तो एवरी स्टोरी हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, राइट्स? सो फ्रॉम कॉन्स पीपल लर्न कि ये नहीं करना चाहिए, ठीक है? विद प्रोज पीपल कैन इम्बाइब कि इससे ये चीज़ अच्छा होता है, वी शुड डू इट। लाइक फ्रॉम फ्रेंडशिप बाइट्स, माई मैसेज टू माई रीडर्स इज दैट इम्बाइब, यू नो, गिव चांस टू रिलेशनशिप्स, नथिंग इज परफेक्ट, सो आर द रिलेशनशिप्स। तो आप इम्परफेक्शंस को देखिए, सीखिए और इनको एब्जॉर्ब करिए। तो क्योंकि हमारा चैनल बुक्स एंड थ्योरीज है, मैं हर बुक में जो थ्योरी निकालता रहता हूँ तो इस बुक में से मतलब थ्योरी क्या निकालूंगा, इम्परफेक्शन से सीखिए या क्या थ्योरी होनी चाहिए? नहीं नहीं, रिश्तों को चांस दीजिए,
कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं तो आप चांस दीजिए उसको. मतलब किसी ने कुछ आकर के आपके बारे में मुझसे कहा तो मैं उसकी बात ना मानूं, आपसे आकर के बात करूं, समझूं उस चीज़ को. अगर रिलेशनशिप है, आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है, तो मैं किसी के कहने पे आप मेरे लिए बुरे तो हो नहीं जाओगे, ना मैं आपके लिए बुरा हो जाऊंगा. इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है अगर, तो किसी के कहने से तो हो नहीं जाएगी. तो मतलब गो टू द बैकग्राउंड एंड सी कि क्या गलती हुई, क्या प्रॉब्लम हुई है. तो लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वर्ड अगर हम 50s 60s की बात करें तो एक अलग मतलब होता था, 80s में उसका अलग मतलब होता था. आज की डेट में, जनरेशन में रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट हो गई है. आपकी बुक 80s 90s के ज़माने की है. मेरी अर्ली 2000 की है. 90s पहले वाली, 2000 की. इससे पहले वाली तो 80s की होगी, 90s की. नहीं नहीं, वो भी 2000 की. इतने पुराने थोड़ी ना, मैंने कहा ना मेरी लव स्टोरी खुद की है वो. तो चलिए, मतलब फिर भी अगर हम कंपेयर करें उस जनरेशन से जब मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, उस जनरेशन से अगर हम कंपेयर करें तो रिलेशनशिप में क्या चेंजेस हुए. देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट रिलेशनशिप, इट ओनली डजंट मीन रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल. रिलेशनशिप तो सब है ना, ब्लड रिलेशनशिप्स भी हैं. तो इफ़ यू मतलब मेरी बुक्स की अगर बात करें तो जो द फॉर्च्यून हंटर्स है उसमें लड़का लड़की का ही रिलेशनशिप नहीं था, लड़की के उसके पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप है, लड़के का उसके रिलेशनशिप होता है, फादर सन का, मदर डॉटर का, ये सब है. सिमिलरली इसमें बेसिकली लड़का लड़की का रिलेशनशिप इतना इसमें फोकस नहीं है जितना फ्रेंड्स का इसमें रिलेशनशिप पोर्ट्रे हुआ है फ्रेंडशिप बाइट्स में. पर कैसे डिफरेंस है, मतलब अगर मैं बात करूँ. देखिए, रिलेशनशिप तो कभी नहीं बदल सकती. द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट मे चेंज. अगर दो फ्रेंड्स हैं तो रिलेशनशिप तो है ना उनकी. मतलब दो लोग रिलेशनशिप मींस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो रिलेशनशिप है. वो तब भी वही था, अभी भी वही है, एक्सप्रेशंस अलग हैं. तब लोग डरते थे अपने ज़माने में अपने पेरेंट्स से, आज की डेट में उतना नहीं डरते हैं. अगर मतलब समबडी हैज़ मतलब हैज़ फॉलन इन लव तो तब बहुत छुपाते रहे होंगे, अभी जा कर के पेरेंट्स को जल्दी बता देते होंगे. अच्छा, राइटिंग का जो प्रोसेस है आपका क्या प्रोसेस है? मतलब जैसे मेरा प्रोसेस है, मैं रोज रात को लिखता हूँ. आपका क्या प्रोसेस है? मेरा प्रोसेस है, मैं मिडनाइट लिखता हूँ. जब सब सो चुके होते हैं. अपनी सारी बुक मैंने मिडनाइट में लिखी है या फिर ट्रैवल करते टाइम लिखी है. तो लिखते समय ना एक जनरली जैसे कि लोग जो समझते हैं कि राइटर से मतलब पहाड़ पर जाके बैठ के लिख रहे होंगे. अरे ना ना, हम तो टीवी चला करके लिखते हैं. जब सब लोग सो चुके हों तो डिस्टरबेंस नहीं होता, बैठे 1500-2000 वर्ड्स हो जाते हैं एक डेढ़ घंटे में, ठीक है. इतना ऐसे करते 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 वर्ड सेंटेंसेस बिल्ड करते करते चैप्टर होता है, फिर वो बुक में बदल जाता है. लेकिन आजकल ना ऐसे कि कहते हैं हम कि यार रीडरशिप कम हो रही है, तो ये OTT चैनल्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, इन सब का इम्पैक्ट, मतलब मैं कहूँगा इम्पैक्ट, मुझे नहीं लगता इतना इम्पैक्ट है, पर यार डिस्ट्रैक्शन ज़रूर है. जैसे कि अगर हम खुद भी बुक पढ़ रहे हो बैठ के और बीच में यार मन करता है एक बार रील देख लो, शॉर्ट देख लो, कोई मैसेज तो नहीं आ गया. तो व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? डू यू फील दैट दीज थिंग्स आर डिस्ट्रैक्टिंग? सो माय व्यू ऑन दिस इज दैट द रीडरशिप हैज़ डेफिनेटली कम डाउन. जो लोग पहले क्या था, मतलब फ्यू ईयर्स अगो, इवन यू कैन से मेरी दोनों बुक्स के बीच की बात कर लें, जब मेरी फर्स्ट बुक आई थी उस टाइम ना OTT चैनल्स थे ना कुछ थे, उस टाइम रीडर बेस बहुत था. उस टाइम बड़े बड़े बुक स्टोर्स थे जो अब बंद हो चुके हैं, लैंडमार्क बंद हो चुका है, ऑक्सफोर्ड ऑलमोस्ट बंद की कगार पे है. तो बुक स्टोर्स पे लोग जाते थे, बुक्स लेते थे, एंड रीडिंग वॉज मतलब इन ट्रेंड एट दैट टाइम. अभी क्या है, पीपल, आई डोंट थिंक पीपल आर इन टू रीडिंग मच एज ऑफ नाउ. लोग ना मतलब इट इज़ ईजियर ऑल्सो कि आपने 2.5 घंटे की मूवी कर दी बिना किसी एफर्ट्स के, आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है. बट पीपल डोंट थिंक कि आप जो टीवी का स्क्रीन देख रहे हो ना, उससे आपकी आईज पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं. लेकिन जो रीडिंग होता है ना, रीडिंग इज़ गुड फॉर आईज, ऐसा बोलते हैं. आई डोंट नो, डॉक्टर्स वगैरह सभी बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए. पढ़ने से एक तो मतलब आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आप
की मेमोरी शार्प होती, बहुत सारे फायदे हैं रीडिंग से. जबकि आप जो वॉच कर रहे हो कंप्यूटर का स्क्रीन वॉच कर रहे हो, सबसे खराब तो मोबाइल का स्क्रीन देखना है. मतलब आपको पता नहीं है कि किस तरीके से आपकी आईज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. मतलब लॉन्ग रन में जा करके, मतलब 15-20 साल बाद आपकी आईज पे क्या असर पड़ेगा आपको पता नहीं है. और बुक पढ़ना, ये तो वेदाज एंड उपनिषद से के जमाने से लोग पढ़ते ही चले आ रहे, किसी की आंख नहीं खराब हुई है सीरियसली. और ये जब से पैंडेमिक आया ना, उसके बाद से ट्रेंड और चेंज हुआ है. जब से ये ऑनलाइन क्लासेस सब, ये ऑनलाइन वाला जो सिस्टम आया है ना, उसके बाद. बट माई पर्सनल थॉट इज कि बुक्स पढ़नी चाहिए. आपका एक तो साइकोलॉजिकली आपको बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, और बाकी आपका आईज और हेल्थ. ठहराव आता है बुक पढ़ने से. हाँ, ठहराव आता है, वो बहुत जरूरी है एक एज के बाद तो. मतलब स्पेशली कि आपको लाइफ में एक ठहराव चाहिए होता है, जो बुक से बहुत अच्छे से आता है सामने. मैं तो लोगों को डिसवेड करता हूँ कि ई बुक भी मत पढ़ो. मतलब अल्टीमेटली तो आप स्क्रीन ही देख रहे हो ना उसके लिए. और मैं अगर फिजिकल बुक पढ़ो ना, आराम से लेट करके मजा भी नहीं आता. मैं तो नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता, ई बुक नहीं पढ़ता. मैं ऑडिबल जरूर, मैं जनरली वॉक करते टाइम आई यूज ऑडिबल, क्योंकि मैं तो ऑडिबल भी नहीं यूज करता. क्योंकि जब मैं वॉक करता हूँ तो मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं जनरली ऑडिबल लगा लेता हूँ ताकि मैं एक आध बुक निपटा लूँ. और मैं जब वॉक करता हूँ तो मैं आपका शो देखता हूँ. थैंक यू वेरी मच. मैं जनरली ना, मतलब इन अ मंथ आई एम नाउ डेज आई एम रीडिंग ऑलमोस्ट 4-5 बुक्स. तो और ये जनरली मैं बताऊँ, ये पॉडकास्ट वगैरह करने के कारण ना मेरे पास बुक्स ऑथर्स अप्रोच करने लगे, मेरी बुक पढ़ो, मेरी बुक देखो. तो मैं बुक्स पढ़ने लगा. पहले मैं भी कम ही पढ़ता था, लेकिन जब से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया ना, मतलब आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड. मतलब रोज़ रात को ना, जनरली मेरी वाइफ तो OTT देख रही होती है, ठीक है, बट आई कीप ऑन रीडिंग बुक्स. और मुझे पता भी नहीं पड़ता मैंने कब 3-4 बुक्स निपटा दी. और हर बुक में से इतना कुछ मिलता है ना, इतना कुछ मिलता है, लगता है कि यार कितना नया सीख लिया बुक में से. आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे कुछ लोग हैं, मतलब जैसे कोई मेरे से बोलता है नींद नहीं आती. मैंने कहा अच्छा अच्छा को पढ़ के नींद आ जाती है, तुम भी पढ़ो. इंसोम्निया का जिसको जिसको प्रॉब्लम है पढ़ो ना बुक. टीवी देखना बंद कर दो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी. और मोबाइल हटा दो. मोबाइल तो बिल्कुल ही हटा दो. सबसे जो लोग मोबाइल पे बुक भी पढ़ते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भैया मत पढ़ो इससे अच्छा. गो एंड वॉच टीवी. टीवी इज बेटर देन मोबाइल. एग्रीड. नहीं, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हो. अगर आप टीवी और मोबाइल बंद कर दो तो नींद जल्दी आ जाएगी. और बुक नींद ना आ रही है तो पेपर पढ़ लो, बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो. और अगर एकेडमिक्स की बुक पढ़ ली तो 100% आ जाएगी. अच्छा, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो ना. हाँ जी. तो मैंने भी एक रिसेंटली बुक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड. नाम सुना ही होगा आपने. सबने ही सुना है, काफी बुक है वो. उस बुक को पढ़ने के बाद लगता है कि यार मैंने अपनी लाइफ के 40-45 साल जो बिता ली है वो बर्बाद कर ली है. आपका इसमें क्या व्यू है? आपने पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है. अच्छा, चलिए तो मैं आपको इसमें बताता हूँ. उसमें एक थ्योरी दी हुई है. थ्योरी ये कहती है कि भाई लाइफ में ना देर आर 4 टाइप ऑफ पीपल. एक जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, एक वो होते हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, और एक वो है जो इन्वेस्ट करते हैं, और एक और कैटेगरी जहाँ पे लोग अपने टैलेंट से अर्न करते हैं. मतलब फर्स्ट कैटेगरीज जो अपना स्किल, अपना मनी, अपना स्किल और अपना टाइम दोनों इन्वेस्ट करते हैं किसी और के लिए, और एक सिक्योर फ्री लाइफ जीते हैं. सेकेंड जो लोग हैं वो ये हैं कि जो अपना स्किल यूज़ करते हैं अपने लिए, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने लिए, और फिर अर्निंग करते हैं. लेकिन क्योंकि वो अपने लिए अपना कुछ कर रहे हैं तो उनका जब तक उनके पास टाइम है तब तक ही कर सकते हैं. जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स अगर जब तक कि डॉक्टर हैं, उनका एज है, तब तक कमा रहे हैं, जब डॉक्टर ख़त्म तो ख़त्म. बिजनेसमैन ऑब्वियसली जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं वो बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं, वो कुछ करता नहीं है, वो केवल उनसे करवाता है. जो थर्ड है वो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि कुछ भी नहीं करते, वो केवल उनका पैसा है और वो पैसे को बड़ा करते हैं. और जो 70-90% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ इन द फर्स्ट कैटेगरी, विच अर्न्स ओनली 5-6% ऑफ टोटल जो वेल्थ है वर्ल्ड की, उतनी अर्न करके ले जाते हैं. तो एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या राय है? थोड़ा सा मैं फ्रेंडशिप बाइट से हट गया हूँ. हाँ, बहुत अच्छा किया, मौके का फायदा उठाया. मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी, इसमें अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ मैं. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ जो थ्योरी बुक में है दैट इज़ परफेक्टली फाइन. ऐसा ऑल आइडियलिस्टिक कंडीशंस में ऐसा ही होना चाहिए और होता भी है नॉर्मली. अब मैं आपको बता दूँ मैंने बुक क्यों नहीं पढ़ी, ठीक है? तो एक बहुत चलन है आजकल
इंडिया में अभी जो मुझे पता चला है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का. तो जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं वो आते हैं आपसे जब बात करने के लिए तो आपको यही ज्ञान देते हैं, ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स, आपको BMW कार भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, ठीक है. और पहली बुक जो वो रिकमेंड करते हैं वो यही करते हैं, रिच डैड एंड पुअर डैड. इसलिए मैंने बुक नहीं पढ़ी, बिकॉज मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, मतलब वो सिर्फ फेल होने के लिए है, ठीक है. तो मैंने इसलिए बुक ही नहीं पढ़ी है. जो लिखा है बुक में वो सही है, करना भी वैसे ही चाहिए. यूज गलत कर रहे हैं लोग, नहीं उसका यूज करके मिसगाइड लोगों को कर रहे हैं. तो इसलिए मैंने दूरी रखी है इससे, और मैं लोगों से बोलता भी हूँ दूरी रखने के लिए. इस थ्योरी के बारे में बताइए फिर, आप कहते हैं थ्योरी के बारे में थोड़ा ज्ञान देंगे. थ्योरी क्या है, मतलब कि ऑब्वियसली विद एज ओनली फाइनेंसेस इंक्रीज, राइट. तो जो मतलब सिस्टम बनता है, तो वो सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी, मतलब जो कम्युनिटी या पूरी आप समझ लो फैमिली को ही लेके सपोर्ट करता है, राइट. तो जो लोग जॉब करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए करें, उसका बेनिफिट उनके रिटायरमेंट के बाद किसी को नहीं होता. लेकिन वही जब लोग बिजनेस सेटअप कर देते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी ने दुकान ही खोल ली, तो दुकान अगर चल गई तो चलती रहेगी ना, जनरेशन बाई जनरेशन चलती रहेगी. तो एक सिस्टम बनाना ज़रूरी होता है अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होती है. तो इवन आप वो मतलब दुकान छोड़ दिए, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट. तो म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने इनिशियल लेवल पे मेहनत करी अपने लिए, ठीक है. फिर जब वो क्लाइंट्स बढ़ते चले जाते हैं ना, फिर उसके बाद एक पूरी की पूरी उसकी मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट बन जाता है एक उसके अराउंड, जो अपने आप चलने लगता है फिर, ठीक है. वो जो एक आदमी ने दो लोगों को बताया, दो ने और छह को बताया, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप, नेटवर्क मार्केटिंग टाइप से ही हो जाता है वो, ठीक है. जैसे मान लीजिए आप, मैं आपका समझ लीजिए मैं आपका वेल्थ मैनेजर हूँ, ठीक है. मैंने आपको अच्छे सजेशंस दिए कि आप ये वाला म्यूचुअल फंड ले लो, वो ले लो. आपने जा करके किसी और को बताया कि यार वो तो बहुत अच्छा मतलब सजेस्ट करता है, तो वो आएगा. मतलब इट्स रेफरेंस बेस्ड मार्केटिंग, रेफरेंस से आपका सिस्टम बनता है. मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम के लिए और मुझे एक्सपीरियंस भी है और मैं इंटेलिजेंट इनफ हूँ टू सी द फ्यूचर, ठीक है, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस ओनली, एंड आई एम ऑनेस्ट इन माई वर्क, then I will give good suggestions to people, good recommendations to people. It's not limited to mutual fund. हर चीज में है ये, ठीक है. Writer हो आप, अगर मुझे अच्छी राय दोगे आप, तो मैं आपकी आप ही के पास आऊँगा, अपने चार छः लोगों को भी बोलूँगा बहुत अच्छी राय देते हैं हिमांशु. तो ये भी तो है, अब जैसे आपके 71,000 फॉलोअर्स हो गए हैं आपकी अच्छी चीज़ें देख करके ना, बिकॉज यू आर डूइंग इट डिलीजेंटली एंड ऑनेस्टली. So the core thing is कि be honest in whatever you do, people will automatically follow you. Thank you, sir. और एक बार जब आपका system बन जाता है ना, तो आपका जो YouTube का जो subscription base है वो आप ही का नहीं है, आपका बेटा भी use करेगा. YouTube जब तक चलता रहेगा तब तक ये system आपके साथ चलता रहेगा. Agree. लेकिन आपकी जो job है, जहाँ भी आप job कर रहे हो IT में, वो सिर्फ आपकी है. Right? Very true. बहुत अच्छे समझाया आपने. अच्छा, अगर books की बात करूँ, आपकी फेवरेट बुक्स अगर मैं 1, 2, या 3 बोलूं जो आपने पढ़ी हो और आपको बहुत अच्छी लगी हो. देखिए फेवरेट तो ताकि ऑडियंस भी सुन सके उन बुक्स को देख सके. तो मेरी बुक तो ऑब्वियसली उसमें रहेगी. हाँ, आपकी सारी बुक्स हैं उसमें, ठीक है. मैं अगर बुक्स की बात करूं तो मतलब जो अच्छी बुक्स होती हैं दे बिकम पार्ट ऑफ योर मेमोरी, राइट. तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी मेमोरी में तो भाई शेक्सपियर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने शेक्सपियर की बुक्स पे इन्वेस्ट किया है, राइट. वो आपने भी किया होगा. नहीं मैंने नहीं, 12th आप मैं नहीं पढ़ाया शेक्सपियर. खैर मेरे स्कूल में मतलब बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह में, जैसे जो लास्ट मतलब एक एक साल हम एक बुक पढ़ते थे, राइट. 12th मैंने 12th क्लास में पूरे साल पढ़ी है, तो ऑब्वियसली मुझे कैरेक्टर्स भी याद हैं, डायलॉग्स भी याद हैं, इंग्लिश लिटरेचर में लिखा है मैंने उसको.
तो आपकी फेवरेट बुक शेक्सपियर्स की है? शेक्सपियर की बुक्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मैंने डिवोट उस पर ही किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन, लोग फ्रेंडशिप बाइट क्यों पढ़े? क्यों पढ़ें? एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ें, एंड मोर ओवर इफ यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, रीड फ्रेंडशिप बाइट्स, यू विल डेफिनेटली फाइंड समवन रिलेटेबल टू यू। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये बुक हर किसी इंसान की है, जो आपके हर कैरेक्टर है वो हर कैरेक्टर किसी ना किसी इंसान को दर्शाता है। और बुक की खासियत भी वही होती है, अगर आप अपने आप को बुक में ढूंढ सकते हैं तो आपको बुक ज़्यादा रिलेट करती है। एग्जैक्टली। तो भाइयों, ये बुक आपको वैसी लगेगी। आप किसी ना किसी कैरेक्टर में खुद को ज़रूर पाएंगे इसमें। जो हमारे शो का एक रिचुअल है, आपने वीडियोज़ देखे होंगे पुराने, या मैं सबको डांस ज़रूर करवाता हूँ। अच्छा, बुक डांस? हाँ, बुक डांस, बुक डांस मेरा रिचुअल है, वो जब से करवाता हूँ, जो भी चाहे पब्लिशर आए, ऑथर आए, चाहे कोई भी आए, पर्पज़ ये है कि जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर्स हैं, जो आप जिससे हम बात कर रहे थे कि रीडरशिप कम हो रही है, तो हमारा एक रिक्वेस्ट करने का तरीका है कि भाई बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना अच्छा है। और हम बुक्स पढ़ने के लिए देखो डांस करके भी दिखा रहे हैं। हमारे रीडरशिप कम हो रही है, आपने सब्सक्रिप्शन बेस बढ़ा लिया अपना। विश यू मेनी मोर सब्सक्राइबर्स। सेम टू यू सर। एंड होप एंड आई जस्ट विश कि द सब्सक्रिप्शन बेस ऑफ योर यूट्यूब चैनल बिकम्स अ सिस्टम फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस। मैं कहूंगा सर कि आप और बुक्स लिखें, और हर बुक के साथ तो आप मेरे शो पर आएं। मैं भी दिल्ली में, आप भी दिल्ली में आते रहेंगे। आप हर बुक लेके, हर बुक के लिए आप मेरे शो पर आएं। दूसरे की बुक लेके आ जाएंगे, आप बुलाओ तो। जब आप अगली बार आओ तो हम और ज्यादा सब्सक्राइबर के साथ आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर, बुक डांस हो जाए। बुक डांस भी करें। बिल्कुल। सो रीडर्स, असलम जी भी हमारे साथ हैं बुक डांस करने के लिए। तो बुक डांस करने से पहले मैं अपनी बुक इनको गिफ्ट करूंगा, यू आर स्टिल द वन। थैंक यू सो मच। और ये फ्रेंडशिप बाइट्स मैंने आपको गिफ्ट करी। हाँ, ये मैंने मुझे गिफ्ट करी है, ये बुक मैं पढ़ूंगा। मुझे पता है, मुझे मन तो बहुत दिन से था पढ़ने का। ये ब्लू कवर देख के ना इतना अच्छा लग रहा है। अरे ब्लू कलर के अलावा आप ये सब देखो ना, इसमें देखिए बल्ब भी लगा हुआ है, बुक्स भी हैं, ये स्टूडेंट लाइफ पे ना देखो, स्कूल बैग भी है, गाने भी हैं, इक्वल टू एमसी स्क्वायर भी लिखा हुआ है। मेरी बेटी का ना ब्लू कलर बहुत फेवरेट है। ये बुक ना ब्लू तो मेरा भी फेवरेट, देखो मैंने कपड़ा भी ये देखिए ब्लू ही पहन रखा है। चलिए बुक डांस करते हैं मेरे साथ। रीडर्स, जाइए अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑफलाइन जहाँ जाना हो, फ्रेंडशिप बाइट्स असलम रहमान के थ्रू लिखी हुई है, इस बुक को जरूर परचेस करिए। देखिए हम डांस करके दिखाते हैं आपको। चलो, यू आर द स्टिल वन भी वो तो होगी। चलो डांस हो जाए, डांस। चलिए, ये तो रोमांस है ना अपना, तो लेट्स इमिटेट द किंग ऑफ रोमांस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट असलम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। बाय बाय।